हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन एट योर होम्स। सो प्रीवियसली हमने चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था और हमने देखा था कि न्यूट्रलाइजेशन हमारी लाइफ में कैसे काम में आता है। सो इन दिस वीडियो विल लर्न मोर अबाउट न्यूट्रलाइजेशन की एवरीडे लाइफ में हमारे न्यूट्रलाइजेशन क्या इंपॉर्टेंट है और न्यूट्रलाइजेशन की क्या नीड है। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर डे टू डे लाइफ। तो न्यूट्रलाइजेशन जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो न्यूट्रलाइजेशन गैस्ट्रिक पेशेंट जिसको केस हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है। एसिडिक होता है इसलिए हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हमारा स्टमक में जो माइल्ड एसिडिक जूसेस है वो हमें डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, बट कभी कभी वो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, ठीक है। उनका लेवल जो है वो बढ़ जाता है तो हमें पेन होने लगता है, हमें दर्द होने लगता है ना। स्टमक एक होता है बहुत पेट दर्द होता है जब एसिडिटी हो जाती है तब। सो वी नीड एंटासिड्स, तो हमें एंटासिड्स चाहिए। तो एंटासिड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, उनमें बेसिस होते हैं जो कि हमारे एसिडिटी के लेवल को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं और हमें उससे आराम महसूस होता है। टू ट्रीट टूथ एक, दांतों में दर्द होना। सेंसिटाइम वाली एडवर्टाइज में हमने देखा है कि दांतों में तेज झंझनाहट होती है, तो वो कैसे होती है, लेट्स सी। शुगर्स जो होते हैं, हम ज़्यादा शुगर वाली चीज़ जो खाते हैं तो हमारी बॉडी में आके वो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा स्वीट और सोर चीज़ें खाते हैं तो हमारा जो टीथ का एनामल है वो डीके होना स्टार्ट हो जाता है। डीके होने की वजह से हमें टूथ एक होता है, हमें दांतों में दर्द होता है। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें माउथ वॉश लेके और हमारे हमें अपने मुंह को माउथ वॉश से क्लीन करना चाहिए। तो माउथ वॉश से अगर आप क्लीन कर रहे हो तो माउथ वॉश में क्या है, माउथ वॉश में बेसिस है और सॉल्ट है जो कि आपके मुंह में जो एसिड आ गया है, जिस शुगर का नेचर और जिस सॉर चीज़ों का नेचर एसिडिक था उसे न्यूट्रलाइज करने में आपकी हेल्प कर रहा है। अगर वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होता है, आपका जो माउथ का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है माउथ में, किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, आपके टूथ एक को, आपके जो दांतों में दर्द हो रहा है उसे कम करने में आपकी हेल्प कर रहा है। टू ट्रीट बी स्टिंग्स, मधुमक्खी काट जाती है, बी स्टिंग्स या एंट बाइट्स, एंट चींटियाँ अगर काट जाती है तो उस पर भी उनके जो डंक होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो उस पर क्या यूज़ किया जाता है, बेकिंग सोडा या कैलेमाइन लोशन यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से वो डंक जो है वो निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें बेसिक होती है। नाउ टू ट्रीट वास्प स्टिंग, वास्प भी बी जैसा ही एक क्रिएचर होता है, इंसेक्ट होता है, ठीक है। तो वास्प स्टिंग्स आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर, वो भी कैसी होती है, बेसिक होता है, उसमें भी बेस होता है। द यूज़ ऑफ विनेगर ड्रॉप्स, और उस पर विनेगर ड्रॉप्स डालेंगे जो कि कैसा है, एसिडिक है। और सम सॉर पिकल्स, अचार की कुछ बूंदे, तो पिकल्स के अंदर सारी चीज़ें ऐसे ही डलती है जो कि खट्टी होती है, सॉर होती है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होगा, एसिड होगा इन सच केसेस। नाउ टू ट्रीट हेयर टेक्सचर, हमारा जो हेयर का टेक्सचर है, ठीक है, हमारा हेयर का जो स्काल्प है वो माइल्डली कैसा है, एसिडिक है, वो थोड़ा बहुत नेचर उसका कैसा है, एसिडिक है। तो वहाँ पे द यूज़ ऑफ बेस शैम्पू, अगर हम ऐसे शैम्पूज यूज़ कर रहे हैं जिसमें बेस मिला हुआ है तो हमारे जो हेयर का टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, बिगड़ जाएगा। तो हमारा जो हेयर है, हेयर टेक्सचर है वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा बहुत एसिडिक होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो हेयर्स है वो सॉफ्ट रहेंगे। सो वी शुड नॉट यूज़ शैम्पूज दैट हैव मच बेसिस, तो हमें ज़्यादा बेसिस वाले शैम्पूज यूज़ नहीं करना है। नाउ द गुडनेस ऑफ बनानाज, वैसे तो बहुत सारे फ्रूट्स में मोस्टली एसिड होता है बट बनानाज जो है वो एसिडिटी को क्योर करने के लिए यूज़ होता है, एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम बनाना खा सकते हैं। तो बनाना हाउएवर एक्ट एज एंटासिड, तो कैसा एक्ट करता है, वो एंटासिड जैसा एक्ट करता है एंड हेल्प रिड्यूसिंग द एसिडिटी ऑफ द स्टमक, और हमारे पेट में जो एसिडिटी है, जो दर्द हो रहा है उसे रिड्यूस करता है, कम करता है। द गुड एंड द बैड ऑफ नीम प्लांट, अब नीम प्लांट की तो बहुत सारी हमने तारीफें सुनी है, तो
नीम जो है वो क्या है, बेस है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा है वो, इसीलिए हम उसे एज अ बेस ही कंसिडर कर रहे हैं। तो यूज़ ऑफ नीम स्टिक इज़ वेरी गुड फॉर अवर टीथ। नीम स्टिक का यूज़ करना, जैसे हमने एडवर्टाइज में भी देखा है डाबर की, है ना, नीम स्टिक का यूज़ जो होता है वो बहुत अच्छा माना गया है। बट अगर आप नीम स्टिक का अपने दांतों पे यूज़ कर रहे हो तो वो आपके दांतों में जो शुगर का लेवल है, जो कि एसिडिक था, उसे न्यूट्रलाइज कर रहा है। बट आप जब उस नीम लीव्स का पेस्ट बना के उसका पानी पी रहे हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी में जो एसिड का लेवल होगा वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और अगर एसिड का लेवल बॉडी में न्यूट्रलाइज हो गया तो इट विल बी हार्मफुल फॉर अस, क्योंकि हमें डाइजेस्ट करने के लिए, खाना डाइजेस्ट करने के लिए जो डाइजेस्टिव जूसेज है उनका नेचर एसिडिक ही रखना है। एसिड होना चाहिए ताकि हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो, अगर एसिड नहीं होगा तो हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो नीम लीव्स जो है उनका पेस्ट बना के कभी पीना नहीं है, बट हाँ नीम को आप आपके टीथ पे लगा सकते हो। एसिड फॉर हेयर टेक्सचर, जैसे हमने पढ़ा कि एसिड जो होता है हमारे हेयर टेक्सचर के लिए अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि हमारे हेयर्स में फंगाई और बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता है, ठीक है, उसको हमसे दूर रखता है, बिकॉज ऑफ उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। अगर एसिडिक नहीं होगा तो बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है कि किसी के हेयर्स में फंगाई होती है, ठीक है, फंगाई मतलब छोटा छोटा जो ऐसे लिटरली ग्रीन कलर का फंगाई नहीं आ जाता है, बट हाँ एक वाइट कलर का स्कैल्प हो जाता है उनका और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो क्यों? क्योंकि उनके हेयर का नेचर कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है, ज़्यादा बेसिस वाले शैम्पूज यूज़ करके। नाउ न्यूट्रलाइजेशन इन सॉइल ट्रीटमेंट्स, उसके पहले हम इंक्वायर एंड डिस्कस का एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज हॉट मिल्क जो है वो एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है, गर्म जब दूध पिया तो एसिडिटी हो गई। बट वहीं पे अगर दूध को ठंडा करके पिया, मिल्क जब कोल्ड हो गया तो वो कैसा हो जाता है, एंटासिड जैसा एक्ट करता है, एसिडिटी को दूर कर देता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हॉट मिल्क जो है, मिल्क में लैक्टिक एसिड है, ठीक है, तो गर्म करने पे जब हम दूध पीते हैं तो लैक्टिक एसिड ज़्यादा वर्क करता है। बट जब हम वही मिल्क जो है उसे ठंडा कर देते हैं, चिल कर देते हैं, तो वो एंटासिड वर्क करता है। एंटासिड वर्क करता है मीन्स उसमें क्या है, कैल्शियम है। कैल्शियम कैसा है नेचर में, बेसिक है, इसीलिए वो एज ए एंटासिड वर्क करता है। नाउ न्यूट्रलाइजेशन इन सॉइल ट्रीटमेंट्स, तो सॉइल ट्रीटमेंट्स में न्यूट्रलाइजेशन कैसे काम में आएगा? बहुत बार फार्मर्स जो होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर लिया, अगर केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा केमिकल डाल दिया अपनी मिट्टी में तो क्या होगा, उसका कंटेंट कैसा हो जाएगा, या तो हाईली एसिड रहेगा या तो हाईली बेस बन जाएगा वो। अब ना तो क्रॉप्स के लिए ज़्यादा एसिड वाली सॉइल अच्छी है, ना तो ज़्यादा बेस वाली सॉइल अच्छी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हाईली एसिडिक सॉइल को कैसे न्यूट्रलाइज़ करेंगे, अगर सॉइल में ज़्यादा एसिडिटी है तो हम ऐसे बेसिस यूज़ करेंगे जैसे कि क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब चूना जो होता है, ठीक है, और स्लेक्ड लाइम, ये भी चूने का ही एक प्रकार है। और हाईली बेसिक सॉइल, अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक हो गई है, ठीक है, तो उसमें एसिड्स डालने पड़ेंगे। एसिड्स डालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, फार्मर्स क्या करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट डालते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट जब डिकम्पोज हो जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे। अर्थवॉर्म्स भी, जैसे डाइजेशन का प्रोसेस जब होता है वहाँ पे एसिड का नेचर देखा गया है, तो अर्थवॉर्म्स भी क्या करते हैं, सॉइल में जो एसिडिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। देन अदर फॉर्म्स ऑफ लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म उसमें मिलाए जाते हैं सॉइल में। आई होप यू अंडरस्टूड इट टिल नाउ, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन द लाइव क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।